दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको गौहर खान की प्रेगनेंसी और बेबी बम हाइड करने के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों गौहर खान और जैद दरबार अब 2 से 3 होने जा रहे हैं। उनके घर में जल्दी किलकारियां गूंजने वाली हैं। हाल ही में दोनों ने इंस्टाग्राम पर यह गुड न्यूज अपने फैंस के साथ शेयर की। गौहर ने एक प्यारा सा वीडियो शेयर करके फैंस को यह गुड न्यूज दी है। वीडियो में गौहर और जैद दोनों कार्टून के फॉर्म में बाइक पर सवार नजर आए और उन्होंने बताया है कि वो 2 से 3 होने वाले हैं, जिसके बाद गौहर की एक झलक देखने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं ये खुशखबरी शेयर करने के अगले ही दिन गौहर खान को पहली बार स्पॉट किया गया। गौहर फिल्म फेयर OTT अवार्ड फंक्शन में पहुंची, जहां सभी की नजरें उनके बेबी बम पर टिकी थी, लेकिन गौहर ने भी बड़ी स्मार्ट ली, बेबी बम को कवर कर लिया और गौहर जल्दी माँ बनने जा रही है। गौहर इस अवार्ड फंक्शन में ग्रीन कलर के लॉन्ग गाउन में पहुंची थी, जिसमें उनका बेबी बम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि प्रेगनेंसी ग्लो तो चेहरे पे साफ साफ दिखा। 39 ईयर्स की गौहर जल्दी माँ बनने जा रही हैं और जब से लेकर उन्होंने ये गुड न्यूज शेयर की है, तभी से उनको बधाइयां दी जा रही हैं। दोस्तों आपको गौहर के बेबी बम के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और साथ ही गौहर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है।